प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 10 में 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया, तो आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। ओलिया वालोलिया ने परवालिया, इसक फाग वेल सार, आरिया तो अति उत्तम दिसे, जाने कलगे रंग प्रतकाल। ओलिया वालोलिया परवालिया ईस फाग आदि लताएं दिखाई देती हैं। आर्या की लता भी अति सुंदर दिखाई देती हैं, मानो कलंगे का रंग चढ़ा हुआ कुम्हड़े का फूल हो। सहस्त्र पाखड़ी नो दमनो दिसे, सोवरण फूली मकरंद, वन श्रृंगार की दो वेलड़ी, ये जुजवी जुगत ना रंग। सहस्त्र पंखुड़ियों वाले द्रोण पुष्प भी खिले हुए दिखाई देते हैं, उन फूलों पर स्वर्णिम रंग के मकरंद हैं, मानो विभिन्न रंगों की पुष्प लताओं से वन का श्रृंगार किया हो। साक फल अन्न अनेक विधना, कंदमूल माहे सार, सारा स्वाद जुजवी जुगतना, वन फलिया रे अपार। अनेक प्रकार के साग फल अन्न, भिन्न भिन्न स्वाद युक्त श्रेष्ठ प्रकार के कंदमूल तथा असंख्य वन फलियां यहाँ उपलब्ध है। वन ऊपर वेलडियो चढ़ियो, जो जोते आ निकुंज, मंदर ना जेम जुगते दिसे, माहे अनेक विधना रंग। देखो तो वन के वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं ने विभिन्न प्रकार के रंग युक्त मंदिर सुदृष्ट निकुंज का निर्माण किया है। वृद्ध आड़ी तरवरनी डालो, जुगते वन कुलंब, भोम ऊपर उभा फल लीजे, केटली कहूँ एह सनंद। तरोवर की शाखाएं फैली हुई होने के साथ साथ भली भांति पल्लवित हो गई है और इतनी झुकी हुई है कि भूमि पर खड़े होकर फल तोड़े जा सकते हैं, इसका कहाँ तक वर्णन करूं। बीजी विध विधनी वनस्पति मोरी, केटला लौं तेना नाम, जमुना जी ना त्रट घणु रूड़ा, रूड़ा मोहल बेसवाना ठाम। अन्य विविध पुष्पित वनस्पतियां हैं जिनका कहाँ तक नाम लूं। यमुना जी का तट अत्यंत शोभायुक्त है तथा रहने के लिए सुंदर भवन अति रमणीय स्थान है। बेहू काठे वनस्पति दिसे, झुलवे ऊपर जल, नेहचल रंग सदा विध विधना, ए वन छे अविचल। यमुना जी के दोनों तट वनस्पति से आच्छादित है और वनस्पति जल के ऊपर झूल रही प्रतीत होती है। यह वन विविधता पूर्ण अखंड रंग तथा सदाबहार वनस्पतियों से पूर्ण है। कांठे जल ऊपर वेलडियो, तेमा रंग अनेक, फूलड़े जल छायु छे, जुगते विध विधना विशेक। तट के जल पर छाई हुई विभिन्न रंग पुष्पलताओं की छाया जल पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, यह इसकी विशेषता है। जमुना जी ना जल जोरावर, मध्य वहे छे नीर, वहता जल वले रे खजूरिया, दर्पण रंग जाने खीर। श्री यमुना जी का जल द्रुत गति से वहता है, बीच का प्रवाह भी तीव्र गति का है,
प्रवाह में बल खाती लहरें उठती हैं, दूध जैसा निर्मल जल दर्पण की भांति चमकता है। वृंदावन फूलियों बहु फूलड़े, शोभा धरे अपार, वन फल उत्तम अति घना ऊंचा, कुसुम तना बहकार। वृंदावन में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, इनकी शोभा अपरिमित है। वनों के फल अति उच्च कोटि के हैं, चारों ओर फूलों की सुरभि फैल रही है। प्रणाम जी।